इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश। सूत्रों के हवाले से खबर, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कोई सुराग नहीं, जांच में 40 से ज्यादा एजेंसी जुटी। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें, मौसम खराब होने की वजह से हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश। आगे आपको बता दें, अजरबैजान से लौटते वक्त हुआ था हादसा। हादसे पर ईरानी मीडिया का दावा, ईरानी राष्ट्रपति का चौपर पूरी तरह तबाह। सूत्रों के हवाले से खबर, किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं।